हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? तो मेरे भाई बढ़िया रहना, एकदम बिंदास एंड भाई फुल्ली फाइनल मस्ती में। गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई रेड डॉट आपका कितना है। अच्छा हाँ, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपको जनरल कितना रखना चाहिए, रेड डॉट कितना रखना चाहिए, फोर स्कोप, टू स्कोप एंड भाई स्नाइपर स्कोप कितना रखना चाहिए। एंड गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है सेंसिटिविटी सेटिंग पर। तो गाइस फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आपको बता देते हैं कि आपको अपनी सेंसिटिविटी कितनी रखना है। एंड गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, अगर आप आज की ये वीडियो पूरी फुल देख लेते हो गाइस, आपके हेडशॉट इंक्रीज हो जाएंगे एंड भाई मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होने वाली है, यानी कि भैया आप प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरी फुल वॉच करना। एंड गाइस, इसी के साथ साथ मेरा आपसे एक बिल्कुल छोटा सा रिक्वेस्ट है, गाइस अगर आप इस वीडियो पर नए आ रहे हो एंड गाइस पहली बार आ रहे हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना मेरे भाई। आओ जान, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। गाइस, वीडियो के पहले ही एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी फुल बारीकी से देख लेते हो ना भाई, तो आपको लाइफ में कभी भी कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है एंड भाई जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई हमको सेंसिटिविटी कितनी रखना है। एंड गाइस, आप में से बहुत सारे बंदों के हाई एंड डिवाइसेज होंगे एंड भाई लो एंड डिवाइसेज भी होंगे, यहाँ तक कि भाई बहुत सारे बंदों के पास होगा आईफोन, आसूस, ROG एंड भाई बहुत सारे बंदों के पास रियलमी, वीवो, ओप्पो, बहुत सारी कंपनी देती है 2GB, 4GB, 8GB। तो गाइस, आपको बिल्कुल ईजिली आज की ये वीडियो फुल देख हो तो भाई आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपको अपने मोबाइल के हिसाब से कितनी सेंसिटिविटी रखना है। ठीक है, तो भाई सेंसिटिविटी रखने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है भाई सेंसिटिविटी समझने की। एंड भाई मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई आप 52 सेंसिटिविटी रख लो, रेड डॉट को भाई 22 रख लो एंड भाई 2x को 66 रख लो, ये कुछ नहीं बताऊंगा आपको भाई, बिल्कुल ईजिली तरीके से पूरा फुल सेंसिटिविटी समझाने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है पर आपको पूरा फुल सेंसिटिविटी समझ आने वाला है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जनरल। तो भाई ये जनरल होता क्या है, बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन रहता है एंड भाई यहीं पर बहुत सारे बंदे ये भी सोचते हैं कि भाई रेड डॉट से हेडशॉट पड़ते हैं। भाई रेड डॉट क्या होता है, मतलब क्या रेड डॉट, अभी तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया है कि रेड डॉट है क्या। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजीली रेड डॉट भी बता दूंगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो भाई जनरल हमारा 0 है एंड गाइस आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि भाई मैं यहां से जा रहा हूं एंड गाइस आप देख सकते हो इधर उधर मुड़ रहा हूं ना भाई, तो दिक्कत आ रही है। एंड गाइस यहां से देख सकते हो जंप करके मतलब बैक होने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। एंड गाइस अगर मैं यहीं पर इसको 100 कर लेता हूं तो भाई 3-4 बार बैक हो जाऊंगा। एंड गाइस यहाँ पे जाना है, किधर जाना है, एकदम राइज स्टार की तरह आप देख पा रहे हो कि भाई पूरा फुल स्क्रीन राइज स्टार की तरह कर दिया मैंने। ठीक है, एंड गाइस यहीं पर मतलब कि यार आपको ये तो समझ आ गया होगा, जो हमारा जनरल है ना भाई, इधर जाते हैं उधर जाते हैं मुरकते हैं जंप करके मतलब कि यार पीछे देखते हैं, तो भाई ये सेंसिटिविटी रहती है। एंड गाइस इससे मूवमेंट इंक्रीज होता है, मूवमेंट स्पीड। एंड भाई यहाँ पे रेड डॉट, बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि भाई रेड डॉट क्या होता है। एंड गाइस रेड डॉट मतलब कि यार है क्या, तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई रेड डॉट से मतलब कि यार दूर का जो रेड होता है ये होता है, तो भाई इसको अगर मैं कम कर दूं या फिर भाई स्कोप लगा दूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड भाई आप देख पाओगे फुल कर रहा हूं तो भी मतलब वहीं पे आ रहा है, एंड गाइस स्कोप लगा के भी वहीं पे आ रहा है, तो बात तो सिंपल सी है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि भाई ये रेड डॉट है क्या। तो भाई रेड डॉट मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, क्योंकि गाइस यहां पे मतलब कि यार रेड डॉट ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो भाई समझा दूंगा पर मैं आपको पहले 2x स्कोप एंड भाई 4x स्कोप समझाऊंगा ना, आपको ऑटोमेटिकली रेड डॉट समझ आ जाएगा। तो गाइस ये हमारा 2x स्कोप है एंड गाइस ये 0 सेंसिटिविटी पे है, और भाई आप देख पाओगे कि भाई ये हमारा 2x स्कोप है, आप देख पा रहे होगे। एंड भाई अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये हाइट है, कोना है, एंड भाई मैं बिल्कुल दम से इस फायर बटन को ऊपर खींच रहा हूं तो कितना इतना जा रहा है ना, फिर से खींच के बताता हूं भाई पूरी दम से, तो भाई ये यहीं पर रुक गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। एंड गाइस यहीं पर अगर मैं इस 2x स्कोप को फुल कर देता हूं ना इसकी जनरल, एंड गाइस स्कोप लगा खींचता हूं तो आप देख पाओगे कि भाई ये मतलब कि यार आसमान में घुस गया एंड भाई वहां पे नहीं रुका। तो गाइस आपका जो भाई 2x स्कोप सेंसिटिविटी रहता है ना भाई, वो 2x स्कोप को इधर उधर करने का रहता है, यानी कि भाई आप कितना इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइस यहीं पर अगर अपन 4x की बात करें तो गाइस आप 4x को भी देख लो, अगर आप यहां से करके ऊपर फायर करोगे तो भाई ये बीच में रुक जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि भाई बिल्कुल दम से कर रहा हूं एंड भाई बीच में रुक रहा है। अगर मैं यहीं पर 4x स्कोप की जो सेंसिटिविटी है इसको फुल कर दूंगा एंड स्कोप लगाऊंगा तो भाई ये सीधा आसमान में घुस जाता है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो भाई ये मतलब कि 4x को इधर उधर करने की सेंसिटिविटी है। एंड गाइस अभी मैं आपको समझा सकता हूं भाई रेड डॉट। तो गाइस रेड डॉट होता है हमारा 1x स्कोप। तो भाई 1x स्कोप तो आपने देखा ही होगा एंड भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में 1x स्कोप नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करा था, 1x स्कोप नहीं आ रहा है। तो गाइस 1x स्कोप है ना भाई हमारा, वो यही रहता है कि भाई उसको भी इधर उधर करने का रहता है। एंड गाइस 1x स्कोप को ही हम रेड डॉट बोलते हैं। तो भाई वो ये हो गया। एंड गाइस यहीं पर स्नाइपर स्कोप की बात करें ना भाई, तो स्नाइपर स्कोप का भी भाई बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। एंड गाइस स्नाइपर स्कोप का भी यही फंडा है। तो आप ये देख पा रहे हो कि भाई इधर उधर
समझने में, मतलब कि यार आप देख सकते हो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहा है। एंड गाइस अगर मैं यहीं से इसको मतलब कि यार स्कोप लगा लिया, एंड गाइस मैं इसको ऊपर करूँगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। एंड गाइस यहीं पर अगर मैं इसको फुल कर दूंगा ना भाई स्नाइपर स्कोप को, तो आप देख पाओगे कि भाई मैंने यहाँ से होल्ड करके स्कोप लगाया। एंड गाइस आप देखो भाई कहाँ पे इतनी ऊपर पहुँच गया है, मतलब कि यार बहुत ऊपर पहुँच गया है, ठीक है। एंड गाइस आप देख पाओगे कि भाई यहाँ से ऊपर कर रहा हूँ तो भी इतनी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो गाइस ये होता है। एंड गाइस आपको ऐसे समझा देता हूँ भाई, ये स्कोप लगाया एंड भाई फायर बटन से मैं कुछ दबा नहीं रहा हूँ, एंड भाई ड्रैग करूंगा तो ये इतनी ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो। एंड गाइस यहीं पर अगर मैं स्कोप लगा देता हूँ मतलब कि यार इसको कम करके, तो गाइस आप यहाँ पर देख पाओगे मैंने इसको फाइनली कम कर दिया। एंड गाइस ये स्कोप लगा लिया, एंड भाई ऊपर करूंगा तो ये आधे बीच में ही छूट रहा है, ठीक है। तो भाई मतलब कि यार स्कोप को इधर उधर करना, ये होता है हमारा स्नाइपर का जो सेंसिटिविटी सेटिंग है ना भाई, वो स्कोप की रहती है, ठीक है। तो आपको भाई इतना तो समझ आ गया होगा कि भाई मतलब कि यार ये हमारा स्कोपों की 2x स्कोप रेड डॉट है, एंड भाई ये स्कोप लगा के इधर उधर करने का रहता है। तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि भाई आपको अपने डिवाइस के हिसाब से ये सेटिंग कितनी रखनी है। तो भाई अगर आपके पास आईफोन है एंड भाई ROG है, एंड भाई फ्री लुक की बात कर रहे हो ना भाई आप, तो फ्री लुक हमारी मतलब कि यार सेटिंग में से ऑन होती है, वो अलग से सेटिंग है। एंड भाई फ्री लुक का यहाँ पे कोई मतलब कि यार वो नहीं है, रोल नहीं है, ठीक है। फ्री लुक ओनली ये है कि भाई आप सीधे भग रहे हो तो भाई पीछे मुड़ के देख सकते हो, एक आंख आ जाती है, ठीक है। तो फ्री लुक का अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना अगर आपको फ्री लुक समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस आपको अपने मोबाइल के हिसाब से सेंसिटिविटी रखना कितना है, ठीक है। गाइस यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया भाई जनरल से क्या था, रेड डॉट से क्या होता है, एंड भाई 2x स्कोप 4x स्नाइपर स्कोप। तो गाइस आप अपने मोबाइल के हिसाब से भी सेंसिटिविटी रख सकते हो, पर गाइस अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए, एंड गाइस मेरा ओपिनियन मैं शेयर कर देता हूँ कि आपको अपने मोबाइल के हिसाब से कितनी रखना चाहिए। तो गाइस 2GB रैम मोबाइल से लेके भाई 4GB रैम मोबाइल तक भाई हर एक चीज़ अपनी 100 रखो। ओनली स्नाइपर स्कोप है ना भाई, इसको आप मेंटेन करके रखो, क्योंकि भाई स्नाइपर स्कोप में थोड़ी दिक्कत आती है। तो गाइस आप इसको 25 के समथिंग मतलब कि यार 25-26 के समथिंग इसको मेंटेन करके रख सकते हो। एंड गाइस हर एक चीज़ को आप 100 कर लो। एंड भाई यहीं पर अगर 6GB रैम मोबाइल की बात करें तो गाइस आप अपनी जो जनरल है ना भाई, ये आप मतलब कि यार 80 से लेके भाई 95 तक, मतलब कि यार 85 से लेके सॉरी गाइस 85 से लेके भाई 95 तक मेंटेन कर सकते हो। एंड गाइस आप मतलब कि यार 6GB रैम मोबाइल वाले रेड डॉट को भी भाई 85 से ऊपर मतलब मेंटेन कर सकते हो। सीधी सी बात यह है कि भाई अगर आपका 6GB रैम मोबाइल है ना भाई, तो आपकी सेंसिटिविटी 85 से स्टार्ट होगी, आप 85 से ऊपर रख सकते हो अपने हिसाब से मेंटेन करके। अगर आपका 8GB रैम मोबाइल है तो भाई 80 यानी कि भाई 80 मतलब कि यार 80 सेंसिटिविटी से ऊपर रख सकते हो, आप अपने हिसाब से आपको कितनी रखनी है। एंड गाइस अगर आपका गेमिंग फोन है ना भाई 8GB रैम मोबाइल का, जैसे कि ROG हो गया, एंड गाइस मतलब कि यार आसूस हो गया, तो गाइस आपको मतलब कि यार अपने हिसाब से यहाँ से 65 से स्टार्ट होगी आपकी सेंसिटिविटी। अगर भाई आपका नॉर्मल मोबाइल है वीवो रियलमी मतलब कि यार गेमिंग नहीं है, तो गाइस आपकी मतलब कि यार 80 से स्टार्ट हो जाएगी 8GB रैम मोबाइल में। एंड भाई यहीं पर अगर हम बात करें भाई आईफोन की, एंड भाई यहीं पर गेमिंग मोबाइलों की वही बात कर रहा हूँ भाई, तो भाई आईफोन की तो भाई आपकी सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी भाई मतलब कि यार 30-40 से ही स्टार्ट हो जाती है। हाँ भाई आईफोन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, एंड गाइस 30-40 से स्टार्ट हो जाती है। एंड गाइस आप इसको 60 के नीचे रखना है, 60 के ऊपर सेंसिटिविटी नहीं ले जाना है, हर एक चीज़ की आपको 60 के नीचे मेंटेन करके रखना है आईफोन के अंदर। एंड भाई ROG के अंदर आपको 60 सेंसिटिविटी से नीचे रखना है। एंड गाइस 8GB रैम मोबाइल में जो हमारे वीवो रियलमी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो भाई आप उनको भाई 85 से लेके मतलब 80 से लेके 85-95 यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, 80 से नीचे मत ले जाना, और भाई मतलब कि यार ऊपर आप कितना भी ले जा सकते हो नॉर्मल मोबाइल में। तो मैं बता दूं भाई मेरा तो 8GB रैम मोबाइल है, एंड भाई वीवो का है, और भाई मैं हर एक सेंसिटिविटी को 100 रख के खेलता हूँ, एंड भाई मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है, मेरे हेडशॉट्स भी बढ़िया पड़ते हैं। तो मेरे भाई बाय बाय टाटा, तो लव यू ऑल फ्रेंडों को, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की सेंसिटिविटी सेटिंग आपको पूरी फुल समझ आ गई होगी, एंड गाइस मैंने आपको रेड डॉट बता ही दिया है कि भाई रेड डॉट क्या होता है। तो मेरे भाई बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल फ्री रहता है।